नमस्ते जी, राम राम। मैं हाँ हिंदू और आज मैं एक बहुत ही वधिया रेसिपी दसन जा रही हूँ जेडी कि चिट्टे छोले वाइट चने की रेसिपी दसूंगी और बिल्कुल बिना घ्यो तो आपां नूं किद्दां बनाउणे आ। और तुसीं नोटिस कीता होणा कि जिन्नियां भी मैं वीडियोज शेयर कीतियां हैं, रेसिपीज दसियां हैं, उहनां दे विच मैं घी घट तो घट यूज करदी हूँ और अज दे चने तां बिल्कुल ही बिना घी दे। और मेरे स्पेशल है, चाहे तुसी इहनूं कुलचे कुलचे नाल खा लो, चाहे पूरी नाल खा लो, चाहे भठूरे नाल खा लो। पर मेरी फैमिली है जिहड़ी अज कहिंदे कि मम्मा असीं तां ने भठूरे खाने हैं, ते पर मैं अज भठूरे बनाऊंगी ते तुहानूं भठूरे दा आटा गुन्नना भी सिखाऊंगी। तो चलो जी, चलिए आपां हिंदू दी किचन। सब तो पहला मैं अद्धा किलो चने लिते और रात भर इहनूं भिगो के रखता पानी च। जिहड़े अद्धा किलो चने है ना, ये 10 बंदे खा सकते हैं। उस तो बाद कटिया होया प्याज, टमाटर, प्याज, खड़े मसाले, नमक ते मिर्च। हुण मैं इस पा रही हूँ पानी, कम से कम 2 ग्लास पानी। नाल ही पाते कटे हुए टमाटर, प्याज और मसाले। मसाले दे विच काली मिर्च है जी, लौंग है, मोटी इलायची है, साबुत धनिया है, जीरा है। और जो मसाले है तुसी अपने टेस्ट के हिसाब नाल पाने। मैं सारे मसाले पाते जी अपने टेस्ट के हिसाब नाल। अद्धा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच मैं पाऊंगी सेंधा नमक। और एदे विच जी मैं घ्यो बिल्कुल नहीं पा रही है, नो रिफाइंड, नो देसी, नथिंग, कोई ऑयल नहीं पाया। इस तो बाद थोड़ा जिना होर पानी ते हुण आपां इहनूं 5-7 विसल दो। हुण नैक्सट मैं की कीता, इमली का पानी लिया, उहदे विच चाह पत्ती पाई है। तो आ देखो जी, चने हो गए तैयार, उबल गए। इहदा कलर कुछ इदां दा आया है ना। तो हुण जदों मैं इहदे विच पाऊंगी चाह पत्ती का पानी, इहदे नाल जिहड़ा चनिया का कलर है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा रेडिश रेडिश ब्राउन जे हो जाएंगे। 2 चम्मच मैं पा रही हूँ जी चना मसाला, MDH वाला। फिर मैं मिक्स कर दूंगी, 2-4 मिनट आपको बॉयल होने देना। मेरे चने बन गए जी पूरे। हुण मैं एंड विच 1 चम्मच मैं चीनी पा दूंगी, 2 मिनट लई आप ला दो। उस तो बाद हुण जी मैं बना रही हूँ भठूरिया का आटा। उहदे लई मैं लिता मैदा, मैदे विच थोड़ा जिन्ना मैं पा लिया दही और थोड़ा जिन्ना खारा सोडा। और खारा सोडा जब आप पाना है आराम ना थोड़ा थोड़ा पाई जाओ, तो इन्हें मिक्स कर दी जाओ। थोड़े जिन्ने पाते मैं मसाले, अगर नमक पाना है वो थोड़ी अपनी मर्जी है। इन्हों आप इदा का गुन के जी मैं आटा गुन लिया, ये इदा का बन जाता है। और इनू मैं हूँ 15-20 मिनट लई रख दूंगी रेस्ट ते। भठूरिया का आटा देखो जी फुलके हो गया, किन्ना फुल गया, फर्मेंट हो गया। ये मैं हूँ भठूरे बना ले छोटे छोटे। इधर मैं कढ़ाई कर लिया तेल गरम, हूँ मैं हाथों के नाल फैला के कढ़ाई में पाऊंगी। तेल जोड़ा है आप बिल्कुल गर्म कर लेना है और इनू बिल्कुल स्लो आंच पे बनाना है, क्योंकि भठूरा है एकदम बन जाता है। लो जी मेरा भठूरा बन गया, इनू आप वाइट वाइट ही रखना है, थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी बन गया। देखो जी मैं इदा ही अपने 5-6 भठूरे बना के थोड़े लिए तैयार कर रही हूँ जी भठूरे चने की प्लेट। देखो मेरे भठूर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तुम तो पता है मैं आटे को खारे पानी से क्यों गुनिया, ताकि ये कोई ऑयल ना जाए। अगर आप मिठा सोडा पाने तो जो भठूरे ने सारा ऑयल चूस लेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। आप वैसे ही चने बनाए बिना ऑयल तो, इस करके जो भठूरिया मैं आटा गुनिया, ये मैं खारा पानी और दही च गुनिया। मेरे बन के भठूरे मेरे सिस्टर आए ने अमृतसर तो, मैं इन्हों टेस्ट करा लगी हैं। लो दीदी खा के दसो जी, आओ जी आओ दीदी खा के देखो। ओ बिना की आले, वाओ बहुत अच्छे बने। दीदी तुसी भी आके देखो किदा दे बने, तुम खा के टेस्ट करो। बहुत सोने, बहुत सोने, बहुत सोने। चलो जी खा दो, तुम खाओ। मसी इदा लगे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਦੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।